हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस या ब्लैक फंगल डिजीज। अभी अपन जनरली देख भी रहे हैं या सुन भी रहे हैं अपन न्यूज़ के अंदर कि हाल ही के अंदर जो कोविड के पेशेंट के साथ साथ अपन कहें तो उनके अंदर कुछ फंगल डिजीज देखने को मिल रही है, जिसे अपन कह रहे हैं म्यूकोमाइकोसिस या म्यूकर माइकोसिस। उसे ही अपन क्या कह रहे हैं, ब्लैक फंगल डिजीज। मतलब ब्लैक फंगल डिजीज या फिर म्यूकर माइकोसिस जो डिजीज़ है वो किसके अंदर देखने को मिल रही है कि काफ़ी ऐसे पेशेंट्स अभी जो ऑब्जर्व किए गए हैं, जैसे कोई कोविड के पेशेंट है, कोविड के पेशेंट से वो कोविड को जैसे रिकवरी करता है उसके साथ साथ कुछ उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और वो फंगल जो इन्फेक्शन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाता है, उसके लंग्स तक पहुँच जाता है। इसके अलावा कुछ उसका इफेक्ट है वो ब्रेन के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो फंगल है वो कोविड 19 के साथ साथ और हार्मफुल बनाने के लिए उस कंडीशन को क्रिटिकल कंडीशन में कन्वर्ट करता है। जनरली अपन जो ये म्यूकर माइकोसिस जो डिजीज है वो जो है म्यूकोमाइसिस जो फंगस के मेंबर हैं उनके द्वारा कोज की जाने वाली एक डिजीज़ है, जिसके अंदर मैंने बता भी दिया आपको साइनेंसियस और रेस्पिरेटरी जो ट्रेट्स हैं या रेस्पिरेटरी जो अपन कहें लंग्स हैं उनके अंदर इनका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा इनके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनके कारण से फेस के ऊपर या नोज जो है या लिप्स है उनके जस्ट अपर या नोज के साइड के अंदर कुछ ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं या ब्लैक स्पॉट्स है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो इसके फीचर होते हैं या सिम्टम्स होते हैं जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ये डिजीज़ भी वैसे देखा जाए तो काफ़ी हार्मफुल होती है, क्योंकि इनके कारण से भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हाल ही के अंदर हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया में जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी कंडीशन देखने को मिली है जो कोविड से जैसे रिकवर हुए हैं तो उनके बाद इनमें क्या देखने को मिला है, म्यूको या म्यूकर माइकोसिस डिजीज़ है वो देखने को मिली है। इसलिए ये दोनों जो लिंक्ड हैं पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस डिजीज़, ये डिजीज़ है वो क्या करती है कोविड पेशेंट को और ससेप्टिबल बनाती है किसके कारण से, डिजीज़ से रिलेटेड। तो अभी जितने भी पेशेंट्स हैं जिनके अंदर कोविड है उनसे एज ए सजेशन और एक रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कहें कि एक प्रिकॉशन रखें, कि ध्यान रखें कि उनके साथ में किसी प्रकार के कोई फंजाई के सिम्टम्स तो नहीं हैं या किसी प्रकार के ब्लैक स्पॉट्स नहीं हैं, या उनकी नोजल के अंदर अपन देखें कि जो म्यूकस है वो किस प्रकार से कन्वर्ट होने लगता है कि एक ब्लैक या डार्क कलर में कन्वर्ट होने लगता है, उससे भी उसका पता लग सकता है कि उनके कोई फंजाई का इन्फेक्शन है। तो अपने डॉक्टर जो हैं उनके साथ में वो कंसल्ट करें इस प्रकार की अगर डिजीज़ उसको देखने को मिलती है, क्योंकि जो पेशेंट कोविड 19 से बच गए हैं उनसे बाद में ये जो डिजीज़ है वो उसके कारण से भी कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डेथ देखी गई है इंडिया के अंदर। अभी अपन बात करते हैं पोस्ट कोविड म्यूकर माइकोसिस डिजीज़ किसके कारण से होती है। तो वैसे देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया भी कि ये जो डिजीज़ है वो किसके कारण से होती है, जो फंगल है, फंगल के एक ग्रुप है जैसे अपन कहें म्यूकर माइकोसिस, इनके कारण से ये डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है। ये जो मेंबर हैं या इस फंजाई के जो मेंबर हैं म्यूकर माइकोसिस के, ये मेंबर मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन सोइल के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलता है कंपेयर टू देन एयर के अंदर कम देखने को मिलता है, लेकिन सोइल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा इस प्रकार के जो मेंबर्स हैं वो सोइल के जो डिकेइंग मटेरियल है या सड़े गले जो पदार्थ हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है, या अपन कह सकते हैं डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या इन्फेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हो सकता है प्लांट की लीव्स हो या कोई भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल हो, उनके कारण से भी इस प्रकार की डिजीज़ का स्प्रेड होता है या फिर फैलते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं ये एनिमल जो डग है
उसके ऊपर भी इस प्रकार के फंजाई है वो जनरली देखने को मिलती है, जिसके कारण से कौन सी डिजीज़ होती है जो अपन ब्लैक फंगल या म्यूकर माइकोसिस की बात कर रहे हैं, वो डिजीज़ इन फंजाई के कारण से होती है। और ये फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, म्यूकर माइसिस से बिलोंग करते हैं। जनरली देखा जाए तो ये डिजीज़ जो है वो इन्वायरमेंट से होने वाली एक डिजीज़ है। कहाँ से होती है कोच भाई? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में से भी सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया आपको कि इसमें जो कोच है वो सॉइल के कारण से देखने को मिलती है। एयर में इनके जो स्पोर्स हैं या इनके जो माइसीलियम हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। आगे अपन देखें कि ये जनरली कंडीशन में नॉन हार्मफुल होते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी है इनके प्रोटेक्ट करने के लिए इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेती है। लेकिन जनरली कोई भी ऐसे पेशेंट है या कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसा हो, वीक हो या कमज़ोर हो, या हो सकता है वो डायबिटीज़ के पेशेंट हो, या हो सकता है वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेता हो, तो इस प्रकार के कोई भी पेशेंट हो जिनके अंदर इम्यून सिस्टम कैसा हो उनका, वीक हो, उन पेशेंट के अंदर इनका जो अटैक है वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के इनके जो अटैक है वो किन में देखने को मिलता है कि कोई भी ऐसे पेशेंट हो जिनके अंदर डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट चल रहा हो, डायबिटीज़ के पेशेंट हो, या स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेता हो, या फिर अपन कह सकते हैं दूसरी कंडीशन कि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो कैसी हो, कमज़ोर हो, तो ये रेयर कंडीशन के अंदर डिजीज़ कोज होती है, रेयरली कोज बट हार्मफुल हार्मफुल किसके लिए हैं कि कोई भी पर्सन कैसे हो जो इम्यूनिटी पावर कैसी हो, वीक। इम्यूनिटी पावर कैसी हो उनकी, वीक हो, या फिर इनको कह सकते हैं अपन ब्रीदिंग से रिलेटेड उनकी क्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, ब्रीदिंग से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड किसी प्रकार की डिजीज़ हो, इम्यूनिटी पावर कैसी हो, कमज़ोर हो, उनके पेशेंट के अंदर खास तौर से इस प्रकार की डिजीज़ है वो हार्मफुल होती है और डोमिनेंट हो जाती है, जिनके कारण से पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। ब्लैक फंगाई अपन इसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण से जो स्पॉट होते हैं, स्पॉट्स होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, इसलिए इसे अपन ब्लैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इनका जो कोज के कारण से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट है, टारगेट टिश्यू है, वो कौन से हैं कि इनके जो स्पोर हैं उनके कारण से डिजीज़ क्या होती है, कोज होती है। और इनका जो मेन इन्फेक्शन, इनका जो टारगेट है वो कहाँ पे होता है, एक तो अपन कह सकते हैं इन्फेक्शन इन लंग्स, इसके अलावा अपन कह सकते हैं साइनेंशियस साइनेंसिस, इनके अंदर इनका जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिलता है। और इनके अलावा ये स्प्रेड करते हैं, स्प्रेड टू कंप्लीट बॉडी, कंप्लीट बॉडी के अंदर इनका जो स्पोर्स है वो इन्फेक्शन करते हुए स्प्रेड करते रहते हैं। लेकिन इनका इन्फेक्शन जो मोस्टली देखने को मिलता है लंग्स और साइनेंसिस के अंदर देखने को मिलता है, ब्रेन के पार्ट्स के अंदर देखने को मिलता है। इन फंजाई के अपन देखें कि कौन से ऐसे फंजाई हैं जो इस प्रकार के डिजीज़ को कोज करते हैं, तो मैंने आपको बता भी दिया कि फंजाई जो हैं वो कौन सी क्लास के फंजाई हैं, तो ये जो फंजाई है वो क्या है, म्यूकर माइसिस के फंजाई के मेम्बर्स होते हैं, जिनको अपन ऑर्डर में रख सकते हैं म्यूकोरेल्स, म्यूकोरेल्स
इस ऑर्डर के जो मेंबर हैं वो इस प्रकार के डिजीज कोज करते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कॉमन जो कोज है, कॉमन जो कोजिंग एजेंट है वो कौन सा है, राइजोपस स्पीसीज है, राइजोपस स्पीसीज। इसके अलावा आ जाएगी म्यूकर स्पीसीज, म्यूकर स्पीसीज, जिनके कारण से ये डिजीज देखने को मिलती है। कौन सी, म्यूकर माइकोसिस। इसके अलावा कुछ अदर स्पीसीज हैं उनके कारण से भी इस प्रकार की डिजीज देखने को मिलती है। जैसे अपन कहें राइजो म्यूकर स्पीसीज, इसके अलावा अपने एग्जांपल देखें जैसे स्क्लेनिया, यह है स्केसनिया, इन फंजाई के मेंबर के कारण से डिजीज देखने को मिलती है। मोस्टली ये जो डिजीज है वो इनके कारण से कॉमन फंजाई है जिनके कारण से डिजीज देखने को मिलती है। राइजोपस स्पीसीज है और म्यूकर स्पीसीज है। इनके जो माइसीलियम है या फिर अपन कहें इनकी जो हाइफी है वो कहाँ से डेवलप होते हैं, स्पोर से डेवलप होते हैं, और स्पोर के कारण से इनका जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, नॉर्मली जो लंग्स है, लंग्स, इसके अलावा अपन कह सकते हैं साइनेंशियस या ब्रेन्स के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर भी इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन देखने को मिलता है। आगे अपन इनके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है वो सिर्फ एक पर्पज़ अपना इसलिए है कि एक न्यू डिजीज़ है और ऐसे कोई भी पेशेंट अपने परिवार अपनी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखें कि किसी भी प्रकार के जो सिम्टम्स अभी अपन डिस्कस करेंगे, इस प्रकार के सिम्टम्स अगर अपने अंदर दिखाई देते हैं तो जल्दी से जल्दी अपन क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार के कुछ करेक्टर्स दिखाई देते हैं जो हो सकते हैं कि इस प्रकार के डिजीज़ के करेक्टर ना हो, जो म्यूकर माइकोसिस हो सकती है और काफ़ी हार्मफुल है, जो पोस्ट कोविड पेशेंट के अंदर देखने को मिल रही है। अपना जो मेन एम है वो इसीलिए है कि जो लोग हैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं और काफ़ी हार्मफुल या घातक हो रही है तो उसके चीज़ के बारे में अपन क्या करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं और एक बेसिक नॉलेज देना चाहते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ जो मेडिसिन है या कुछ सिम्टम्स हैं वो भी बताऊँगा आगे किस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी अपन देखते हैं कि इनके जो सिम्टम्स हैं वो कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। जैसे जैसे इसमें सबसे पहले जो सिम्टम्स हैं वो अपन देखते हैं राइनो सेरिब्रल, राइनो सेरिब्रल है तो वो आ जाएगा कि कहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं सिम्टम्स, यहाँ पर साइनस और ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। इनके जो सिम्टम्स हैं वो इंक्लूड करते हैं तो अपन कह सकते हैं जो राइनो सेरिब्रल से इफ़ेक्ट होने वाले जो ऑर्गन्स हैं या सिम्टम्स हैं वो कहाँ पर देखने को मिलता है तो अपन इसके रिलेटेड देखते हैं। जैसे वन साइड फेशियल स्वेलिंग, कि फेस के ऊपर किसी भी एक साइड के अंदर अगर स्वेलिंग देखने को मिलती है तो वो भी किसका करैक्टर है, म्यूकर माइकोसिस का एक सिम्टम्स है। हेडेक होना, सरदर्द होना, नोजल एंड साइनस कंजेशन, उनसे रिलेटेड अपन कहीं नोजल से रिलेटेड और साइनस से रिलेटेड कंजेशन। इसके अलावा ब्लैक लेसन या ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देना ऑन द नेजल ब्रिज, नाक के जो साइड है या नेजल जो ब्रिज है उनके साइड के अंदर अपन देखें जो स्पॉट्स दिखाई देते हैं। जैसे अपन यहाँ पर देखें इस प्रकार से इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो अपन देखें कि यहाँ पर अगर स्पॉट्स दिखाई देते हैं तो ये दिखाई देते हैं ना के आसपास के रीजन के अंदर इस प्रकार के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और ब्रिज अपर इनसाइड द माउथ, माउथ के अपर साइड के अंदर भी या फिर माउथ के जस्ट अपर के साइड में भी देखें अपन तो भी इस प्रकार के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनके अंदर फीवर एक बेसिक करेक्टर हैं। तो एक तो ये हो गया ब्लैक स्पॉट्स का ऑब्जर्वेशन जो इसका मेन
करेक्टर हैं जिनके कारण से इसका जो स्पोर्ट्स है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार के जो करेक्टर हैं वो किससे रिलेटेड है, ये राइनो सेरेब्रल में इन्फेक्शन अगर होता है तो उसके सिम्टम्स हैं। अगला सिम्टम्स अपन देखें, सेकेंड करेक्टर जैसे अपन देखते हैं कि सिम्टम्स किससे रिलेटेड हो, पल्मोनरी या फिर अपन कहे लंग से रिलेटेड अगर सिम्टम्स दिखाई हो या फिर लंग्स के अंदर इसका इन्फेक्शन हो, तो उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स वो कौन से अपने सामने आ सकते हैं, जैसे फीवर होना, कफ का डिपोजिशन होना, इसके अलावा चेस्ट पेन होना, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग की जो शॉर्टनेस है या फिर अपन कहें हाँपना या सांस से अंदर किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती हो, तो ये सभी किससे रिलेटेड आ गए, जो पल्मोनरी या लंग्स का जो इन्फेक्शन है उसके कारण से इस प्रकार के जो सिम्टम्स वो दिखाई देखने को या देखने को करेक्टर मिलते हैं। आगे अपन देखें, जैसे अगला अपन सिम्टम्स या थर्ड सिम्टम्स देखें, क्यूटेनेसिस या स्किन से रिलेटेड होने वाले सिम्टम्स या इनके अंदर इन्फेक्शन होता है, तो कौन से सिम्टम्स अपने को सामने दिखाई देते हैं, जैसे ब्लिस्टर और अल्सर प्रकार के सिम्टम्स वो देखने को मिलते हैं, या फिर इन्फेक्टेड एरिया ब्लैक हो जाते हैं, जो आपको मैंने पहले बताया था, इसे ब्लैक फंगल डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पेन होता है बॉडी के अंदर, इसके अलावा एक्सेस रेडनेस होता है, मतलब स्किन के अंदर रेडनेस आना और पेन होना, इस प्रकार के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा स्वेलिंग अराउंड द वाउंड, कि जो जहाँ भी कट या घाव है या वाउंड है उसके साइड के अंदर क्या होता है, इसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, जो इसका एक बेसिक कैरेक्टर है। और वैसे भी अपन जानते हैं कि इनका जो इनिशियल इन्फेक्शन है वो कहाँ से होता है, कि अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार के घाव है, किसी प्रकार के कट लगता है, उनके कारण से इनके जो स्पोर हैं वो वहाँ पर नमी के कारण से टच में आते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर अपनी जो हाइफी है या फिर अपन कहे माइसीलियम जो है उनको डेवलप कर अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इनके जो वाउंड और जो कट है वो इनकी डिजीज़ के इन्फेक्शन के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। अगला सिम्टम्स अपन देखें, जैसे अपन अगला सिम्टम्स देखें कि अगर इनका इन्फेक्शन जो है वो किस प्रकार का हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रकार का इन्फेक्शन हो या अपन फूड पाइप के अंदर कहें इस प्रकार का अगर इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। उनके कारण से कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो सबसे मेन जो है वो क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि एब्डोमिनल पेन किसके कारण से होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के अंदर इन्फेक्शन के कारण से एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। नोजिया या वोमिटिंग, किसी प्रकार का अपनी बॉडी के अंदर जी मचलाना या उल्टियां आना, वो भी इसका क्या करेक्टर है। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, मतलब उल्टी के साथ में कुछ ब्लीडिंग आना या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलना, ये इसका सिम्टम्स है। इसके अलावा अगला अपन देखें कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें इस प्रकार के जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है, जैसे अगला अपन देखें कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इस प्रकार की डिजीज़ के करेक्टर जो हैं वो देखने को मिलते हैं या कॉमन करेक्टर देखने को मिलते हैं। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो डिजीज़ है वैसे एक रेयर डिजीज़ है, जनरली सभी पेशेंट के अंदर या सभी लोगों के अंदर देखने को नहीं मिलती है, तो भी अपन कह सकते हैं कि इट्स रेयर डिजीज़। ये कैसी डिजीज़ है, एक रेयर डिजीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉमन पेशेंट हैं जिनके अंदर ये देखने को मिलती है, या वो पेशेंट कैसे हो, जैसे उनके साथ क्या हो, किसी भी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो भी उस प्रकार के जो पेशेंट हैं उनके अंदर इस प्रकार की देखने को मिलती है, या फिर वो हमेशा क्या हो, वो हमेशा किसी भी प्रकार के जो मेडिसिन है वो लेता रहे, या फिर जो पेशेंट है वो मेडिसिन लेता हो, उस प्रकार की भी बॉडी कैसी हो सकती है, इस प्रकार की डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल हो सकती है। अगला अपन देखें कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो कैसी हो, इम्यूनिटी रेस्पॉन्स कैसा हो, वीक प्रकार का इम्यूनिटी रेस्पॉन्स हो, तो उन प्रकार के पेशेंट के अंदर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है।
इनसे रिलेटेड अपन देखें कि ऐसे पेशेंट कौन से हैं जिनके अंदर इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वैसे जनरली अपन बात भी कर रहे हैं कोविड 19 की, तो कोविड 19 के कारण से ये सभी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो रही है, उनको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उनके कारण से इनके पोस्ट कोविड के कारण से इस प्रकार की डिजीज देखने को मिलती है। फिर भी इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जैसे अपन बात करें कॉमन कि जे ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो और डायबिटीज़ के कारण से बॉडी ससेप्टिबल है, उनके अंदर इस प्रकार के जो फंगजाई का इन्फेक्शन है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। कुछ ऐसे पेशेंट्स से जो क्या कह सकते हैं अपन, जो ये कहें स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हो उस प्रकार के पेशेंट हैं, वो भी इसके लिए क्या हो सकते हैं, ससेप्टिबल हो सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो अपने कहें जिस हॉस्पिटल में या जहाँ पर वो एडमिट है उसका आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उस कमरे का या उस रूम का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो कि प्रॉपर ये कहें अपन कि वो एकदम क्लियर नहीं है, या फिर अपने कहें पोल्यूशन फ्री नहीं है या फंगल फ्री नहीं है, उस प्रकार के पेशेंट भी हैं, उनके अंदर भी इस प्रकार की डिजीज देखने को मिल सकती हैं। तो अपन इस प्रकार के पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर इस प्रकार के डिजीज़ की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। जैसे अपन देखिए कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर म्यूकर माइकोसिस की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। उनमें से मैंने आपको बताया भी था कि मेन जो है वो है डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ के ऐसे पेशेंट्स हों, स्पेशली कौन से डायबिटिक हो, केटोएसिडी प्रकार की जो डायबिटीज़ है उन पेशेंट्स के अंदर मैक्सिमम देखने को मिलता है म्यूकर माइकोसिस। इसके अलावा कि ऐसे पेशेंट हो जिनके अंदर किसी प्रकार की कैंसर हो या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है, उसमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया हो, तो भी उसके अंदर इस प्रकार की डिजीज़ कॉमन देखने को मिलती है। इसके अलावा न्यूट्रोपेनिया लो लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम होना न्यूट्रोपेनिया कहते हैं, उसमें भी इस प्रकार की डिजीज़ देखने को मिल सकती है। इंजेक्शन या फिर अपन कहें लॉन्ग टर्म कोर्टिको स्टोरेड यूजेज, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे पेशेंट्स जो स्टेरॉइड इंजेक्शन यूज में लेते हो, ऐसे पेशेंट जो स्टेरॉइड्स को इंजेक्शन के रूप में यूज में लेते हो, तो उन प्रकार के पेशेंट के अंदर भी इस प्रकार की डिजीज़ कॉमन देखने को देखी गई है या कॉमन मिली है। इसके अलावा अपन कहें इंजेक्शन ड्रग यूजेस, कि कोई भी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको अपन इंजेक्शन के थ्रू यूज में लेते हैं, तो उनके अंदर भी इस प्रकार की डिजीज़ देखने को मिल सकती है। या कोई भी ऐसे पेशेंट या व्यक्ति जिनकी बॉडी के अंदर आयरन की अधिक मात्रा देखने को मिलती हो, उनके अंदर भी इस प्रकार की डिजीज़ देखने को मिलती है। या फिर उनकी जो स्किन है उसमें किसी भी प्रकार का अपन कहें डैमेज हो सकता है, वो डैमेज किस प्रकार का हो, सर्जरी के कारण से हुआ हो, जलने के कारण से हुआ हो, या किसी भी प्रकार का कट लगने के कारण से अगर उसमें घाव है, तो उसमें भी इस प्रकार का इन्फेक्शन सबसे पहले देखने को मिलता है। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसका जो इन्फेक्शन है वो मेन कारण यही है स्टार्टिंग, कि इनका हो सकता है सोइल के संपर्क में जैसे आता है, या वो वाटर है वो अनप्यूरिफाइड है, उसके अंदर उसके स्पोर्स प्रेजेंट हैं, तो उसके कारण से भी डिजीज़ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आगे अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपन इनका ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। अगर इस प्रकार की डिजीज़ देखने को मिल सकती है तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उनको कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो अपन यूज में लेते हुए इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अपन नॉर्मली देखते हैं भी कि अगर इस प्रकार के फंजाई का अपन ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो किसके हो, म्यूकर माइकोसिस के डिजीज़ के सिम्टम्स हो, उनका ट्रीटमेंट अपन कैसे कर सकते हैं कि जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं, एंटी फंगल जो मेडिसिन है, उनको अपन यूज में लेते हुए इस प्रकार की डिजीज़ का अपन कंट्रोल कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कॉमन जो अपन देखें सबसे एम्फोटेरिसिन बी जो एंटीबायोटिक है उसको अपन यूज में ले सकते हैं इसका ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा पोसाकोनाजोल जो है उन दोनों को अपन किसके थ्रू ले सकते हैं, वेंस के थ्रू ले सकते हैं या ब्लड के थ्रू अपन ले सकते हैं। इसके अलावा अपन देखें जो आइसा वेकोनाजोल ये जो है इसको अपन माउथ के थ्रू अपन ले सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ऐसी मेडिसिन हैं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जा रही है, जैसे फ्लूकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, इसके अलावा इकाइनो
कैंडाइंस, इस प्रकार की जो मेडिसिन है वो म्यूकरमाइकोसिस का ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जा रही है। तो ये जो अपना वीडियो है वो उन सभी पेशेंट या उन सभी फैमिली या उन सभी फ्रेंड्स के लिए है जो इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं वो रखना चाहते हैं, या अपने सामने अगर ऐसी प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती हो तो अपन उसको अवेयर कर सकें कि अगर आपकी इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हो सकता है आपको कोई किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो, तो अपने डॉक्टर से जल्दी अपन क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो म्यूकरमाइकोसिस जो डिजीज़ है वो मोर हार्मफुल है किसके बाद, जो कोविड के पेशेंट हैं उनमें इस प्रकार की कॉमन डिजीज़ देखने को मिलती है। इसलिए इस प्रकार की जो डिजीज़ है अपन कह सकते हैं पोस्ट कोविड म्यूकोमाइकोसिस या म्यूकरमाइकोसिस डिजीज़ देखने को मिलती है, जिसके कारण से पेशेंट के ऊपर कुछ ब्लैक स्पॉट्स या ब्लैक सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो इसे अपन कह सकते हैं ब्लैक फंगल डिजीज़। तो इस डिजीज़ के अवेयर करने के लिए अपना जो वीडियो का ये पर्पज़ था, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप ध्यान में रखें और इस प्रकार के सिम्टम्स है तो अपने साथ या अपनी फैमिली के किसी भी मेम्बर को आप अवेयर कर सकते हो, डॉक्टर से कंसल्ट करवाइए उसे कि इस प्रकार के डिजीज़ ना हो, क्योंकि काफ़ी इंडिया के अंदर इस प्रकार की डिजीज़ देखने को मिल रही है कि कोई भी पेशेंट जो कोविड से अभी जूझ रहा है उसके साथ साथ इस प्रकार की डिजीज़ का जो अटैक है वो काफ़ी देखने को मिलता है, तो उनका जल्दी से जल्दी अपन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।